वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट अंडाई रेसिपी। ये रेसिपी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप किसी भी ओकेज़न पे इसे बना के पी सकते हैं, लेकिन लोग इसे होली में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी काजू, एक कटोरी आलमंड, हाफ कटोरी मेलन सीड, हाफ कटोरी पिस्ता, दो चम्मच खसखस दाने, और मसालों में हमने लिया है सौंफ, दो चम्मच करीब सौंफ, चार पांच इलायची और 10-15 काली मिर्च। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एक बड़े बॉल में मिक्स कर लेंगे। मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे रोस्टेड है, रेडीमेड रोस्टेड ही मैं खरीदी थी। अगर आपकी चीज़ रोस्टेड ना हो तो आप रोस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी और कुछ सूखे गुलाब के पत्ते, और इसके बाद इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चीज़ों को रोस्ट करके पाउडर तैयार करने से होता ये है कि आप इसे लंबे वक्त तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए मैंने सारे चीज़ों को रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार किया है। तो चलिए हम अब अपना ठंडाई बनाते हैं। तो ठंडाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे चिल मिल्क का यूज कर रही हूँ। मैंने दूध को गर्म करके उसे फ्रिज में रख दिया था। तो अगर आपकी दूध रूम टेम्परेचर पे है तो आप बर्फ़ का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ठंडाई बनाते हैं।